बात करते हैं कोटा की, जहां सरकारी स्कूल में बच्चों की जान को खतरा है। सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा देने के भले ही कितने ही प्रयास किए जा रहे हों, नए अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों की भवन जर्जर हालत में है। कोटा के हनुमान बस्ती स्थित सरकारी स्कूल के हाल बहुत बुरे हैं। स्कूल भवन काफी जर्जर हो चुका है। स्थिति यह है कि खुद स्कूल प्रिंसिपल मानती है कि कभी भी छत गिर सकती है। इसके बाद भी कई बार शिकायत के बाद भी मरम्मत के काम नहीं हुए हैं। हनुमान बस्ती स्थित सरकारी स्कूल का भवन काफी पुराना होने के चलते जर्जर हालत में हो चुका है। दीवारें तड़क गई और छत लीकेज हो रही है। बारिश में पानी टपकता और स्थिति यह है कि ऐसी हालत में ही बच्चों को बिठाकर पढ़ाया जा रहा है। यहाँ 12वीं क्लास तक पढ़ाई होती है, लेकिन कमरे सिर्फ 5 ही हैं। ऐसे में बच्चों को कभी बरामदे में तो कभी एक ही रूम में 2 से 3 क्लास लगाई जा रही है। स्थिति यह है कि बिजली के तार भी खुले पड़े हैं। ऐसे में बारिश के मौसम में दीवारों में सीलन और छत से टपकने पानी की वजह से बीच में करंट भी फैलने का खतरा रहता है। खुद स्कूल स्टाफ का मानना है कि यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्कूल इंचार्ज भावना चौहान के अनुसार उन्होंने इस मामले में शिकायत भी की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा है। यही नहीं, स्कूल भवन तो जर्जर है ही, बाहरी लोग भी स्कूल के बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। निगम के सफाई कर्मी कचरा गाड़ियां स्कूल परिसर में खड़ी कर जाते हैं, जिससे बदबू के चलते बच्चे और स्टाफ परेशान होता रहता है। इस बारे में जब सफाई कर्मियों से शिकायत की तो उनका कहना था कि हम इलाके की सफाई करते हैं तो गाड़ियां वहीं खड़ी करेंगे। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी प्रदीप चौधरी के अनुसार जर्जर भवन में बच्चों को पढ़ाना उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना है। हमारे पास जहाँ से भी शिकायत आती है हम मरम्मत कार्य के निर्देश देते हैं। और मेरे रूम तो एक्सपायरी हो चुके हैं, वो छत कभी भी गिर सकती है। मैं अपनी समस्या आगे भी बता चुकी हूँ, पर कोई कार्रवाई नहीं।